एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभि मोहित ऑफिशियल। तो आज आ गई हूँ मैं बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ। सो व्हाट्स इन माय बैग व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग विद माय बेबी। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ। तो वैसे मैं अभी अपने मम्मी के घर जाने वाली हूँ, अपने मायके जाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि हमारे बैग में, मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करती हूँ, और अपने बेबी के लिए और मेरे लिए, इन दोनों, हम दोनों की सामान इसमें रहती हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि मेरा बैग कितना बड़ा है। मतलब पहले मैं क्या, पहले जब मैं मैरिड नहीं थी, जब बेबी नहीं था खास तौर पे, जब क्या करती थी, छोटा सा बैग, एकदम क्लच, जो बोलते हैं उसे छोटे से, उसको क्या बोलते हैं, स्लिंग बैग बोलते हैं जिन्हें छोटे से स्लिंग बैग होते हैं हमारे, तो उनको मैं यूज़ करती थी। लेकिन जब से मोक्ष आया, स्लिंग बैग मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इस तरीके के बैग्स यूज़ करती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइस, थोड़ा सा मेरा बैग है जो मैसी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक ही कंपार्टमेंट, जो बोलते हैं एक ही सेक्शन है रखने के लिए, तो सारी चीज़ें मैं सब हो जाती हूँ उस तरीके से। गाइस, के अंदर से सबसे पहली जो चीज़ निकली है वो मेरी बेबी के लिए की ये बॉटल है, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा। और इसके साथ क्योंकि ये ग्लास भी अटैच होती है, तो पानी के लिए मुझे अलग से ग्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में पिला लेती हूँ उसको पानी। और मोबाइल, एक हैंकी इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। और ये मेरे मोक्ष के लिए एक पैजामा रास्ते के लिए है, क्योंकि बाय चांस छोटा बच्चा है तो बाय चांस कुछ कर सकता है। ये मोक्ष की दवाएं हैं कुछ, इसमें नेबुलाइजेशन के लिए भी है दवा, और ये मोक्ष की थोड़ी सी जो बुखार खांसी की दवाएं होती हैं उस तरीके से है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये हमारे दोनों के मास्क, क्योंकि मास्क तो जरूरी है। ये मास्क हमारे, मोक्ष के दो डाइपर्स, कॉम, और अब बात करते हैं वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, इसे भी मैं कैरी कर रही हूं। और ये है मेरा वेटनोवेट सी क्रीम, ये मैं यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि है तो ये एक मेडिसिन ही, डॉक्टर के कंसर्ट के बिना हम नहीं यूज़ करते। लेकिन मैं इसे एज अ, कभी छोटी मोटी चोट लग जाए या स्किन में पिंपल आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए मैं इसे रखती हूँ। और ये बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है, बहुत, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है एक बार में ही। और ये मेरा है परफ्यूम, वेला विटा परफ्यूम। मेरा छोटा सा वॉलेट, आप देख सकते हो कितना प्यारा है, छोटू सू। और इसमें मैं कुछ नहीं, थोड़े बहुत अपने पैसे, रुपए कैरी करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये मेरा पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी फ्रेश फील के लिए, हाइड्रेशन के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैं लैक्टोकैलामाइन, ये क्रीम लेके अपने साथ कैरी करती हूँ, हमेशा नहीं कैरी करती हूँ, आज ही कर रही हूँ, ये हमेशा नहीं कैरी करती हूँ मैं। और पॉन्ड्स की ज़रूरी नहीं कि मैं पॉन्ड्स ही क्रीम यूज़ करूँ, उसकी जगह आप वैसलीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये और दो इस तरीके के, एक रबर बैंड और एक क्लच मेरे पास है, क्लचेस है, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ। मतलब ये मोस्टली मेरे साथ, ज़्यादातर कहीं भी मैं जाऊँ, ये मेरे साथ तो, ये तो होता ही होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे ऊपर बाल बांधने की आदत है काम करते टाइम, तो मैं इसे कैरी करती हूँ। और आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा हेयर सीरम, जो खादी का है, खादी का हेयर सीरम मैं यूज़ करती हूँ, वो भी लेके जा रही हूँ अपने साथ। और ये मोक्ष के लिए मस्कीटो रोल ऑन, और ये ओडोमॉस नेचुरल्स, जो बॉडी पे या लगा सकते हैं उसके, और ये कपड़ों पे, क्लोथ के लिए लगा सकते हैं, तो ये मस्कीटो का उसके पास मैं उसके लिए ज़रूर लेके जाती हूँ। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं ओडोमॉस वगैरह ले जाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो मोक्ष के लिए मुझे काफ़ी ज़रूरी लगता है। और ये एक मेरा पेन रिलीफ, जो सर दर्द होता है ट्रैवलिंग के बाद मुझे, या ट्रैवलिंग के टाइम, तो मैं उसके लिए ये दिव्य धारा पतंजलि का ये जो है बाम यूज़ करती हूँ, रोल ऑन। सर दर्द थोड़ा बहुत अगर होता है तो आपका इससे क्योर हो जाएगा। तो गाइज, ये है मेरा लैक्मे का सनस्क्रीन, PA SPF 50++, ये मेरा लैक्मे का सनस्क्रीन है, इसे मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर कैरी कर रही हूँ।
और एक मैं अपने साथ ये स्टिक लेके जा रही हूँ। और गाइज इसमें है मेरे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट, जैसे कि लिपस्टिक, फेस सीरम मेरा है गार्नियर, और फेसेस कैनेडा के मेरी लिप बाम, क्योंकि सर्दी विंटर है तो मुझे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी सिस्टर्स के पास थोड़ा मेकअप अच्छा होता है तो मैं नहीं लेके जा रही हूँ। वैसे अगर मैं कहीं और जाऊँ तो मैं मेकअप ज़्यादा कैरी करके थोड़ा ले जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी अपने मम्मी के पास जा रही हूँ तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं ले जा रही हूँ। तो ये है, और लास्ट में हमारा ये बिंदी। ये मैं बिंदी इस तरीके से रखती हूँ अपनी, कलरफुल है, इसमें कलर कभी भी कोई भी ड्रेस पहनो तो मैं इस तरीके से बिंदी अपनी कैरी करती हूँ छोटे से बॉक्स में, आप देखो। बस यही था गाइस मेरे पास, यही है मेरे आज के बैग में। पूरा बैग आप देख सकते हो, बस पूरा बैग मेरा खाली हो चुका है, आप देखो। तो बैग में कुछ भी नहीं है, बस इतनी चीज़ें हैं मेरे बैग में। और इसके अलावा और ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेन में, तो ब्रश रखना है, और छोटी मोटी कुछ चीज़ें होंगी तो वो रख लूँगी। वैसे अभी कुछ उसके अलावा कुछ इसमें रखना नहीं है, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसा हम भूले हों, कुछ मुझे ऐसा लगे ज़रूरी, तो बस वो चीज़ें रख लूँगी। वैसे जैसे ब्रश हो गया, ये मुझे रखना है, थोड़ा सोप वगैरह रखना पड़ेगा मुझे, पेपर सोप वगैरह, तो वो रख लूँगी। बाकी कुछ भी नहीं रखना है मुझे, बाकी सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं अपनी बैग में। तो गाइज आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। और तो गाइज मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।